Hello students, so today we are going to do exercise 4. It is related to problem sums. These are additional problem sums related to addition. Before starting these questions, we have to introduce the keywords or vocabulary related to word problem of addition. Students, addition से related word problem के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स लर्न करने होते हैं. वी हैव टू नो, वी शुड नो अबाउट दीज कीवर्ड्स एंड इट विल इंक्रीज आवर वोकैबुलरी आल्सो. सो दीज कीवर्ड्स आर प्लस, सम, ऑल टुगेदर, टोटल, हाउ मेनी ऑल मतलब टोटल में कितना टोटल, ऐड, हाउ मेनी आर देयर मतलब जितने भी हैं सारे उनमें से. मीन्स ये जो वर्ड्स जहाँ आते हैं इसका मीन्स होता है कि वहाँ हमें एडिशन करना है. Okay, so these are the keywords that you have learned for the word problem. Okay, now come to the exercise 4. There is question number 1. Okay, this is question number 1. A factory manufactured 72,584 locks in the year 2015. And 37,846 locks in the year 2016. How many locks did the factory manufacture in the 2 years? The first step हमारा होता है that we have to know about कि बात किसके बारे में की जा रही है. यहाँ पर बात की जा रही है locks के बारे में, यानी ताला. एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में लॉक्स बनाए जाते हैं, और ईयर 2015 में यहाँ पे 72,584 लॉक्स बने. ओके, नेक्स्ट, ईयर 2016 में 37,846 लॉक्स बने. एंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी, ओके मतलब हाउ मेनी लॉक्स डिड द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर इन द 2 years. अब देखिए यहाँ पे वो कीवर्ड आया ना, हाउ मेनी. सो हाउ मेनी लॉक्स, 2 years में कितने लॉक्स फैक्ट्री ने बनाए. सो इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोटेशंस मतलब लिखने से पहले प्रॉब्लम सम हम डायरेक्ट तो ऐड करके नहीं दिखाएंगे. वी हैव टू शो कि वो जो हमने नंबर लिखा है वो क्या है. ओके, सो सबसे पहले क्या है, 72,584 लॉक्स. सो हम लिखेंगे अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 2050. सबसे पहले नंबर ऑफ लॉक्स मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 2015. ओके, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ लॉक्स मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 2015 में कितने लॉक मैन्युफैक्चर्ड किए गए, 72,584. ओके, हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट. सेकेंड इज, नंबर ऑफ लॉक्स मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 2016. नंबर ऑफ लॉक्स मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 2016 ने हैं, ये देखिए, लुक एट हियर, 37,846. ओके, गॉट इट. सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीट आवर स्टेटमेंट्स. सो अभी हमने कर दिया है, अब हमें क्या करना है, ऐड करना है. बट बिफोर एडिंग दैट वी हैव टू नो कि हमें आखिर आंसर में लिखना क्या है, कैसे लिखना है. हाउ मेनी लॉक्स डिड द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर इन द 2 year. ठीक है, सो अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर
of locks manufactured by factory in the 2 years. Okay, so we have to find out. कैसे find out होगा? 72,500. Okay, now you can see I have written number of locks manufactured by factory in the 2 years. ये आपको 72,584 plus 37,846 लिखना है. देन अब इसको आप एडिशन फॉर्म में लिख देंगे. इस तरीके से प्लेस वैल्यूज लिख दी है, दोनों वैल्यूज लिखी हैं. देन वी विल ऐड 10 0 कैरी ओवर 1. देखिए यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है प्लेस वैल्यू लिखकर, ताकि हमें ऐड में कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड द आंसर इज व्हाट? 1,10,430 लॉक्स मैन्युफैक्चर्ड इन द 2 years. ओके, इन द 2 years. So this is the answer. Okay, now students, let's do second question. During a census, it was found that there were 2,34,786 males and 1,93,877 females in a town. Find the total population of the town. इस question में census होता है जब आपको पता है पॉपुलेशन वगैरह काउंट की जाती है, तो वो जो टोटल डेटा हमें मिलता है वो सेंसेस होते हैं, उनके लिए सेंसेस के फॉर्म में होते हैं. सो जब हम पॉपुलेशन काउंट की जा रही थी, सेंसेस काउंट किया लिया जा रहा था, देन एक टाउन में ये देखा गया कि वहाँ पर मेल यानी कि जेंट्स इतने हैं और लेडीज़ इतनी हैं. अब हमें क्या बताना है? टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है. टोटल बताने के लिए हमें जेंट्स और लेडीज़ दोनों को ऐड करना होगा. ओके, सो यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट लिखेंगे. नंबर ऑफ मेल्स ड्यूरिंग अ सेंसस कितने थे? इतने. नंबर ऑफ फीमेल्स ड्यूरिंग अ सेंसस, फीमेल्स का लिख दिया हमने. टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, टोटल के लिए हम क्या करेंगे? दोनों ही पॉपुलेशन जो हमारे पास है नंबर, उनको ऐड करेंगे. और ये देखिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ये हमने टोटल ऐड कर दिया है. और ऐड करने के बाद हमारा आंसर जो ये आ रहा है, हम लिखेंगे द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 4,28,663. सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व. कम टू द नेक्स्ट. सो स्टूडेंट्स, नाउ विल डू थर्ड क्वेश्चन. अ नंबर एक्सीड्स 8,76,543 बाय 12,345. फाइंड द नंबर. इस क्वेश्चन में क्या है? एक्सीड्स मतलब होता है बढ़ जाना. ओके, जब कोई नंबर बढ़ जाता है, जैसे आपके पास 5 नंबर है या 5 चॉकलेट्स हैं, तो आपको 2 और कोई दे दे, तो वो 5 चॉकलेट्स बढ़ गई, एक्सीड्स हो गई. सो ये नंबर क्या है? ये नंबर इतना बढ़ गया, तो अब हमें बताना है वो कितना बढ़ा है. फाइंड द नंबर. अब हमें वो जो एक्सीड होकर नंबर आया है वो बताना है. सो फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अ नंबर इज, हमारा नंबर क्या है? ये है 8,76,543 एक्सीड्स बाय, कितना नंबर बढ़ा है, किससे कितना बढ़ा है, इतना बढ़ गया है 12,345. नाउ द नंबर इज, अब जो नंबर है वो बताने के लिए हमें दोनों नंबर्स को ऐड करना होगा. अब यहाँ देखिए ये हमने ऐड कर दिया है. ओके, सो आफ्टर एडिंग विल गॉट 8,88,888. दिस इज द आंसर. ओके, कम टू द नेक्स्ट. Our next question is, what is the sum of the greatest 5-digit number and the greatest 6-digit number? ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को. What is the sum? Sum क्या होता है? ये देखिए कीवर्ड है टोटल का. Find what is the sum? हमें सम बताना है of the greatest 5-digit number. हमें 5-digit greatest number और 6-digit greatest number का सम बताना है, यानी टोटल बताना है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. सो हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट इज़, ग्रेटेस्ट नंबर नहीं डिजिट, ग्रेटेस्ट डिजिट है हमारी 9. 0 to 9 तक में सबसे ग्रेटेस्ट क्या है? 9 है. 9 इज़ द ग्रेटेस्ट डिजिट. सो विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट
वी फॉर्म अ नंबर ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर. सो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हमने बॉक्सेस बना दिए हैं, प्लेस वैल्यूज लिखी है और इसमें हम सब में 9 ही लिख देंगे. हर बॉक्स में हम 9 लिखेंगे क्योंकि ग्रेटेस्ट लिखना है. सो फाइव ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर होगा हमारा 99,999. ओके, अब ऐसे ही 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए 6 बॉक्सेस बनाएंगे, प्लेस वैल्यूज लिखेंगे, हम उसमें सब में 9 लिख देंगे एंड द नंबर इज 9,99,999. ओके, अब सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 and 6 डिजिट नंबर. अब इन दोनों का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे. ओके, और यहाँ देखिए ये हमने इसे ऐड कर लिया है और ऐड करने के बाद ये हमारा आंसर आया है. ओके, एंड द आंसर में अब हम नीचे क्या लिखेंगे, आंसर इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 and 6 डिजिट नंबर इज. ओके, कम टू द नेक्स्ट. नाउ स्टूडेंट्स, आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज मिसेस खन्ना. एक लेडी हैं मिसेस खन्ना, विजिटेड अ फर्नीचर शॉप. वो एक फर्नीचर शॉप पे गई. शी बॉट अ बेड फॉर ₹34,700. उन्होंने इतने का क्या खरीदा, बेड खरीदा. और उन्होंने बेड खरीदा तो उसके लिए इतना रुपीज़ दिया. अ डाइनिंग टेबल फॉर ₹12,800. डाइनिंग टेबल के लिए उन्होंने इतना मनी दिया. एंड 6 चेयर फॉर ₹6,836. और 6 चेयर के लिए उन्होंने इतना अमाउंट पे किया. हाउ मच मनी डिड शी पे टू द शॉपकीपर. हाउ मच मतलब कितनी, कैसे पता लगेगी. इन तीनों नंबर्स का टोटल निकालेंगे, बट पहले हमें ये बताना है ये तीनों नंबर्स आखिर हैं क्या. सो फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मिसेस खन्ना विजिटेड अ फर्नीचर शॉप. दिस इज अ सिंपल कोटेशन. ओके, मिसेस खन्ना बॉट अ बेड फॉर, मिसेस खन्ना ने जो बेड खरीदा उसके लिए कितना पे किया, ₹34,700. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी सिखा रही हूँ. जैसे आपको सेम वर्ड वहीं पे वर्डिंग लिखनी है, जैसे मिसेस खन्ना बॉट, तो उसके नीचे आप इस तरह डबल कॉमा लगा के लिख सकते हो. इट मीन्स ये होता है कि जो ऊपर लिखा उसी का मीनिंग ये है. ये मैथ्स में शॉर्टकट मेथड होता है कि अगर एग्ज़ाम में आपके पास टाइम कम है और आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप इस तरह फटाफट शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो. सो इसे भी हम क्या पढ़ेंगे, मिसेस खन्ना बॉट ए डाइनिंग टेबल, तो इतने का ख़रीदा. फिर नीचे आइए, मिसेस खन्ना बॉट, बॉट तक आया, फिर 6 चेयर्स, इतने का ख़रीदा. तो अब हम क्या करेंगे इन तीनों का स्टेटमेंट के बाद, टोटल मनी शी पे टू द शॉपकीपर. टोटल मनी उन्होंने शॉपकीपर को दी, उसके लिए क्या, तीनों को ऐड करेंगे. और ऐड आप फटाफट रफ में कर लीजिए और ऐड करके आप यहाँ डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं इस तरीके से, अगर आपके पास टाइम कम है तो. बट अगर आप उसे डिस्क्राइब करके लिखेंगे तो आपको स्टेप वाइज अच्छे नंबर मिलते हैं. बट अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको फटाफट करना है, तो आप इस तरह कर सकते हैं. आप तीनों को ऐड करेंगे, आपका आंसर आया. एंड आंसर के लिए आप लिखेंगे, मिसेस खन्ना पे ₹54,336 टू द शॉपकीपर. सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड ऑल द 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडिशनल प्रॉब्लम सम्स. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स.